राजीव, अंजलि को देखो, इसने क्या पहना हुआ है। वैसे तो अपना आपको बड़ी स्मार्ट बनती है, पर कपड़े पहनने का बिल्कुल भी सेंस नहीं है इसको। वैसे एक बात है राजीव, इसकी जोड़ी इसके हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं जचती। इसका हस्बैंड कितना हैंडसम लगता है, ये तो पता नहीं क्या ही लगती है। राजीव बेटा, तुम दोनों से मुझे कुछ बात करनी है। हाँ जी मम्मी, बोलो क्या बात करनी है। बेटा, मेरे सिर पे भार चढ़ते जा रहा है। मेरी मन्नत को 3 साल हो गए पूरी हुए, ना भागवत करवा पा रही हूँ ना भंडारा करवा पा रही हूँ। मम्मी, भागवत और भंडारा करवाने में तकरीबन 70-80 हज़ार रुपए लग जाएंगे, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं करता हूँ कुछ अरेंजमेंट। बेटा, तुम लोगों को ज्यादा अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास 35-40 हज़ार रुपए पड़े हुए हैं, बाकी का तुम लोग देख लेना। मम्मी जी, हम तो सब देख ही लेंगे, पर एक बात बताओ, 7 साल से बच्चा दीदी को नहीं हो पा रहा था, उनके लिए मन्नत आप मांग के बैठ गई, वो भी खर्चे वाली, जिसके ऊपर 70-80 हज़ार रुपए आराम से लग जाएगा, ये कहाँ की समझदारी हो गई। बहू, एक माँ से अपनी बेटी का दर्द देखा नहीं जाता है। मेरी बेटी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तब मैंने भगवान से मन्नत मांगी कि अगर मेरी बेटी की गोद भर जाएगी तो मैं भागवत और भंडारा कराऊंगी। और बहू, भगवान ने मेरी सुन ली, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी मन्नत पूरी करूं। ये बात तो है मम्मी। डॉली, वैसे मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है कि अगर कोई मन्नत मांगो और वो मन्नत पूरी हो जाए ना, तो उस मन्नत को पूरा भी करना पड़ता है। इतना तो मुझे भी पता है राजी, पर एक बात बता दूं, मन्नत ना अपनों के लिए मांगी जाती है, ना कि परायों के लिए। दीदी की अब शादी हो गई है और वो शादी करके पराई हो गई है, अब दीदी के लिए मम्मी ने क्यों मन्नत मांग ली है। बहू, एक बात बताऊं, एक माँ के लिए ना उसकी औलाद कभी पराई नहीं होती है। ठीक है, तुम लोग मत करो पैसे का अरेंजमेंट, मैं खुद कर लूंगी। मम्मी, आप चिंता मत करो, आपको भागवत करवानी है ना, आप करवा लो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। और हाँ, डॉली को मत बताना। ठीक है बेटा, मैं बहू को नहीं बताऊंगी, लेकिन तू परेशान होकर पैसा मत देना। मम्मी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मेरी नौकरी भी अच्छी चल रही है और इंसेंटिव बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं कल आपको पैसे दे दूंगा, फिर आप भागवत और भंडारा करवा लेना। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, डॉली को ये ना पता चले कि पैसे मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। भाई, तेरी बात से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। सच सच बता, आखिर बात क्या है? मैं तेरी बहन हूँ, अपनी बहन को नहीं बताएगा तू? बता क्या बात है। बहन, तुझे तो अच्छे से पता है मैं 2 महीने से नौकरी नहीं कर रहा हूँ, और मुझे कल चिंटू का स्कूल में एडमिशन कराना है, जिसके लिए मुझे 50 हज़ार रुपए चाहिए, और मेरा कहीं से भी 50 हज़ार का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। मुझे तो बहन ऐसा लगता है कि इस बार ना चिंटू का ये साल बर्बाद ही जाएगा। भाई माना, अभी तेरा बुरा वक्त चल रहा है, आज जॉब नहीं है कल मिल जाएगी, तू क्यों घबरा रहा है? पर मेरे को ना तेरे से एक शिकायत है, तूने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाकर मुझे एक झटके में पराया कर दिया है। बात 50 हज़ार रुपए की है ना, मैं दे दूंगी तेरे को 50 हज़ार रुपए, आखिर भाई बहन किस काम आएंगे। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है, मुसीबत के समय में तो भाई बहन ही एक दूसरे के काम आते हैं। चल ठीक है, अब ज्यादा इमोशनल मत हो, मैं तेरे जीजा जी से कह के ना तेरे अकाउंट में 50 हज़ार रुपए डलवा देती हूँ। चल ठीक है, रखती हूँ फोन। राजीव, जरा मेरे भाई विक्की के अकाउंट में 50 हज़ार रुपए ट्रांसफर कर दो। क्या, विक्की के अकाउंट में 50 हज़ार रुपए ट्रांसफर कर दूं? लेकिन क्यों भाई? राजीव, आपको तो पता ही है मेरे भाई विक्की की 2 महीने से कहीं नौकरी नहीं है, उसको ना कल अपने बेटे का एडमिशन कराना है स्कूल में, और उसकी आखिरी डेट है, इसलिए उसको 50 हज़ार रुपए की जरूरत है, तो आप कर दो उसके अकाउंट में जल्दी से। ओ कम ऑन डॉली, 50 हज़ार रुपए की जरूरत आपके भाई को है, तो आपको टेंशन ले रही हो, और वैसे भी डॉली मदद तो अपनों की जाती है, आपका भाई तो पराया हुआ ना। राजीव, आप ही कैसी बातें कर रहे हो, बहन भाई कब से पराये होने लग गए? अगर आपको नहीं करनी है मेरे भाई की मदद तो मत करो। डॉली, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है, तुम्ही ने तो मुझे सिखाया कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, अब तुम्हारी शादी होगी है, इसलिए तुम भी अपने भाई बहन के लिए पराई हो चुकी हो। आपकी याददाश्त ना बहुत कमजोर हो गई है, उस दिन तो मम्मी को बहुत ज्ञान दे रही थी कि दीदी के लिए मन्नत क्यों मांग ली, दीदी पराई है, परायों के लिए कौन मन्नत मांगता है, और ये बात ना आप पे भी लागू होती है, मैं भी आपके भाई की मदद नहीं करता अब। राजीव, अगर आपको मेरी भाई की मदद नहीं करनी ना तो मत करो, पर ऐसे मुझे ना 4 बातें मत सुनाओ, और मुझे पता है आपसे बोलकर ना मैंने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि आपको मेरी भाई की मदद करनी ही नहीं थी।
अरे वाह डॉली, ये देखो मॉल में सेल लगी हुई है, आओ चलते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कराते हैं। राजीव मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, आज आपने मेरे भाई की मदद ना करके ना मेरा बड़ा मूड खराब कर दिया। ये लो आ रहा है मेरे भाई का फोन, मुझे तो इसका फोन उठाने में भी शर्म आ रही है, अब क्या बोलूंगी। हाँ भाई। थैंक यू बहन, जीजा जी ने मुझे ना 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे और मैंने जाके ना चिंटू का एडमिशन करा दिया है, मेरी तरफ से ना जीजा जी को थैंक यू बोल दियो। ठीक है भाई, तेरे जीजा जी को थैंक यू बोल दूंगी। राजीव आपने मेरे भाई को 50,000 रुपए ट्रांसफर कर भी दिए, लेकिन आप तो मुझे कह रहे थे कि मेरे भाई की मदद आप नहीं करोगे क्योंकि वो पराया है। डॉली ये अपना पराया सिर्फ आप ही करती हो, मैं नहीं करता हूँ। मैंने शादी के बाद से कभी भी अपने भाई बहनों में और आपके भाई बहनों में फर्क नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। हाँ राजीव आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने हमेशा अपने बहन भाई और आपके बहन भाइयों में बहुत भेदभाव किया है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। हो सके तो राजीव मुझे माफ कर देना।